हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 32 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ, जहाँ पर जो रडन वैली के स्टूडेंट थे बाई और लिन, दोनों के दोनों वहाँ से भागे होते हैं, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होती है वो पेड़ के बीच छुप रही होती है और जो बाई होता है वो चिल्ला रहा होता है, हे लिंक सिस्टर, लिंक सिस्टर तुम कहाँ पर हो। और जो लिंग होती है वहाँ पर छुपकर हाँप रही होती है, और जो लिंग होती है वो मन में सोचते हुए खुद से बोलती है, मैं जो इटर्नल वैली से के स्कूल से वहाँ से भागकर आ गए हैं सारे के सारे स्टूडेंट के साथ, लेकिन मुझे इस जेड को रिचार्ज करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला और ना ही मैंने इसको एनर्जी दी है, और इसकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और इसकी जो एनर्जी बची हुई है वो काफ़ी नहीं है, और इस जेड को हर 7 दिन के अंदर रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है वरना इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और इसी जेड के कारण जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो पॉसिबल है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना। और पर मैं सोचते बोलती है मुझे इसमें एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। तभी अचानक से जो भाई होता है वो सीधे उसके बगल में आता है और चिल्लाते बोलता है, हे लिंक सिस्टर मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जिसे सुनने के बाद जो लिन होती है वो बहुत सरप्राइज होती है और उससे बोलता है, जो मेरे मास्टर है उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि जो मास्टर फेंग है उन्होंने, जो फेंग सीनियर है उसने मोयोलों को हरा दिया है। और अचानक से कुछ देख के सामने बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है भाई, और हमें दिखाया जाता है जो लिंक होता है उसका आधा रूप लिंक का होता है और आधा रूप दूसरा होता है जो पहले ट्रांसफर हो गई थी, और बोलता है अच्छा तो तुमने आखिरकार मुझे देख ही लिया, तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो फेंगजिया होता है वो हर तरह के मैप में सर्च मार रहा होता है, और तभी उससे अगर कोई बोलता है जो भाई है वो आपसे मिलना चाहता है, तभी जो फेंगजिया होता है क्या ज़ियाओ भाई वापस आ गया, और तभी वो रियलिटी में वापस आ जाता है और बोलता है अच्छा ज़ियाओ वापस अंदर आ जाओ, और तभी जो ज़ियाओ भाई है वो अंदर आते उससे बोलता है तुम हाइएस्ट मास्टर बन चुके हो, और तभी जो फेंगजिया उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं हाईएस्ट मास्टर हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरीके से बुलाने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम मुझे अपने भाई की तरह समझ सकते हो और इस तरीके से बुला सकते हो बिना किसी परेशानी के। और उससे चिल्लाते हुए बोलता है ये स्टूडेंट बिल्कुल यूजलेस था, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो फेंगजी है बहुत सरप्राइज होता है, और तभी जो ज़िया भाई है उससे कहता है कि जो सिस्टर लिंग थी वो नहीं बची, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था इसलिए वो खाई से नीचे जाकर कूद गई और अब उसे बचा नहीं पाया, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था और वो नदी में कहीं बह गई, और अब हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते, ना ही उनके बॉडी को भी नहीं ढूंढ पा रहे हम। तो जो सुनने के बाद जो फेंगजिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज सा दिखाता है, और फेंगजिया उदास समूह बनाते हुए उसे कहता है कितना ज़्यादा अनलक्की किस्मत थी उसकी जब वो खाई से कूद कर मारी गई, उस जैसी प्यारी लड़की सच में मारी गई। लेकिन अभी तभी ब्याज जो है वो एक स्माइल मारता है और भाई रोना स्टार्ट करता है और बोलता है जो मेरी सिस्टर लिंक थी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो मारी गई बिना किसी पावरफुल प्रोडक्शन के, हम उसे बचा भी नहीं पाया मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो बहुत ज़्यादा रेयर ब्यूटीफुल थी। और तभी जो फेंगजी है उससे बोलता है मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों की तरह रोती हो यार, तुम्हें इस तरीके से नहीं रोना चाहिए। और तभी जो ज़ियाओ भाई है वो चिल्लाते उससे कहता है आखिरकार किसने मना किया कि जो आदमी लोग हैं वो नहीं रो सकते, और उससे ज़ियाओ भाई उससे कहता है मैं अपने इस दर्द को पावर में बदलना चाहता हूँ, और बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे पास क्विंगोजे की पावर है, मैं उसे सीखना चाहता हूँ तुमसे। और तभी जो फेंगजी है उससे बिना किसी सवाल पूछे बोलता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद जो फेंगजी है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपना मॉन्स्टर वाला रूप दिखाता है और जो ज़िया भाई उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है अरे घंटा मैं एक्सेप्ट करूंगा तुम्हें, क्या तुम बेवकूफ़ हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़िया भी है वो शीशे की तरह टूटने लगता है और बोलता है सच बताऊँ तो तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल है वो उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा कि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा नहीं खेल सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यून होती है वो अपेयर हो जाती है, मतलब ज़िया भाई का रूप लिए बैठी हुई होती है, और मन में सोचते बोलती है ये कैसे हो सकता है, मैं इस फूमैंग की बहुत ज़्यादा समय से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ और जिसे जो मेरे फैमिली ने मुझे दी गई थी, और भला इसको कैसे पता चल गया सच्चाई के बारे में। और तभी जो फेंगजिया उससे बोलता है हे यून आखिरकार जो मेरे फ्रेंड लिन लिंग और बाय कहाँ पर है जल्दी से मुझे बताओ, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी जो यून होती है वो अपना वाला एक्सपीरियंस से बाया लगती है और हंसते हुए उससे बोलती है तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, और एक्शन से बनाने लगती है।
तभी जो फैंग है वो गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर जो योन होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और जो योन होती है उससे बोलती है, मैं एक लड़की हूँ, क्या तुम और ज़्यादा जेंटल नहीं हो सकते मेरे साथ, और हंसे रखती है उसको देखकर उसके करीब आते हुए। अभी तभी जो फैंग है उससे कहता है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ मत समझो मुझे, मेरे हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी है। तभी जो योन है उसे सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, हे मास्टर, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो मैं सबको बाहर बुला लूँगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगूंगी, और मासूम का चेहरा बना मतलब उसे धमकाने लगती है। ये सुनने के बाद जो फेंगजिया है एकदम से सन्नाटा छा जाता है और तभी जो यूनो से बोलती है, तुम्हें नहीं पता आखिरकार जो बाहर के जो लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, जब वो अपने हाईएस्ट मास्टर को किसी लड़की के साथ देखेंगे जो कि कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, तो आखिरकार वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उसे धमकाने लगती है ये सब कहते हुए। और तभी जो फेंगजिया है वो वहीं पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, कोई यहाँ पर बाहर की तरफ कोई हैगा क्या, और चिल्लाते हुए बोलता है, ये लड़की यून बहुत ज़्यादा रूड हो रही है मेरे खिलाफ और मुझसे गंदी गंदी बातें कर रही है। ये सुनने के बाद जो यून होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोल चिल्लाते हुए बोलती है, ये बेवकूफ़ कहीं के तुम जैसा बेशरम इंसान भी यहाँ पर मौजूद है। और तभी जो फेंगजी है उससे कहता है, अब तुम गैस करो क्या सच में लोग यहाँ के मुझ पर विश्वास करेंगे जिसने इस इटर्नल वैली को बचाया है आग से, या फिर वो किसी अजनबी पर विश्वास करेंगे तुम जैसी। ये सुनने के बाद जो ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और चिल्लाते उसे कहती है, तुम कमीने कहीं के। और तभी जो फेंगजी है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, अब जल्दी से बताओ लिंक और भाई कहाँ पर है, और मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा खेलना नहीं चाहता, और जबकि तुम और ज़्यादा मेरे साथ खेलना चाहती हो। और हंटर सा निकाल लेता और सोचने लगता है और डरावना लुक बनाने लगता है उसको देखते हुए। ये देखकर जो यूना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे बोलती है, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। और तभी एक मेडल से निकालना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, मेरा नाम लिंग है और जो तुम्हारा फ्रेंड भाई है उसे बांध दिया गया है, और मैं ही लिंग हूँ, कोई दूसरी लिंग नहीं है, मैंने बस अपना रूप बदला हुआ है और कुछ नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, और आंसू से निकालने लगती है। तभी जो फेंगजी उससे बोलता है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उनकी ज़िंदगी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। तभी वो लिंग होती है उससे कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, और उससे बोलती है, हे मास्टर तुम वाकई में बहुत ज़्यादा डरावने हो रहे, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। तभी जो फेंगजी है उससे कहता है, लेकिन जो अभी अभी तुमने जो कहा है वो तुमने कहा है, भला मैं कैसे जान सकता हूँ जो तुमने अभी भी कहा था वो बिल्कुल सच है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जूओ होती है वो उस दरवाजे को खोलती है और अंदर आ जाती है उसे सरप्राइज करते हुए, और उससे चिल्लाते बोलती, आखिरकार तुम्हें कौन बुली कर रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जैसी उसकी आवाज़ सुनता है फेंगजी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और डर जाता है और बोलता है, अबे तेरी ये कहाँ से आ गई, और मन में सोचते हैं बोलता है, अपने आप को शांत रखो, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा कि जो जू है वो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी समझेगी, वो ये इतना गलत नहीं समझ सकती वो, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है वो, तो उसकी तरफ देखता है, ये बोलता है, हे जू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अलग ही पोजिशन पर बैठा हुआ होता है। और वो तभी जो जू है वहीं पर कांपना स्टार्ट कर देती है और उसे डरावनी से देखना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, हे फेंग मुझे नहीं लगा था तुम इस तरीके का बिहेव करते हो मेरे पीछे पीछे। और सुनने के बाद जो फेंगजिया है उसके पसीने छूटने लगते हैं और बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, ये बुरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, अगर आखिर ये सब क्या चीज़ है, जुओ का जो रिएक्शन है वो पिछली बार की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब है ये तो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।